आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि घंटी बजती रहे और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। नमस्ते, आप सभी लोगों को कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज मैं आपको बाईबोर्ड की लेटेस्ट न्यूज़ दूंगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इस पर FI कर रखी है और कईयों ने ऑफिस के बाहर विरोध जताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इसकी बड़ी वजह क्या है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, पहले तो बाईबोर्ड की वेबसाइट बंद कर दी गई थी, लेकिन अब मैंने यूज़ की तो ये ओपन हो गई। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि बाईबोर्ड अब लोगों का पैसा देगी या नहीं। मेरे हिसाब से पहले इस वेबसाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसको बंद कर दिया था, तो अब फ़िलहाल इस वेबसाइट को फिर से ओपन कर दिया है और अच्छे से चल रही है। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का अचानक से चलना क्या हो सकता है? शायद ये गुड न्यूज़ भी आ सकती है कि लोगों को पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फ़िलहाल ये सब कहना मुमकिन नहीं है। मेरे हिसाब से माहौल ख़राब हो चुका है, संजय भाटी शायद भाग चुका है, क्योंकि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लोगों ने FIR भी लिखा दी, ऑफिस के बाहर विरोध भी जताया और धरने भी दिए, लेकिन फ़िलहाल संजय भाटी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई और ना ही कोई ऑफिस के एजेंट की। तो ये बहुत ही गलत बात है। बहुत सारे लोग परेशान हैं इसकी वजह से, क्योंकि उनकी मेहनत का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। ये स्कैम छोटा मोटा स्कैम नहीं है। 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों का पैसा इस कंपनी में डूब चुका है और बहुत सभी लोग परेशान हैं। तो फ़िलहाल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 400 करोड़ का स्कैम है, कोई 1000 करोड़ का और कोई कहता है 500 करोड़ का। तो फ़िलहाल इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कितना स्कैम हो चुका है। मेरे हिसाब से 20-30 करोड़ तक का स्कैम है, लेकिन बाद में सभी लोगों को पता चल जाएगा कितना स्कैम है जब ये केस कोर्ट में चलेगा और एंड में लोगों को पैसे बांटे जाएंगे। तो ये थे सारे पक्ष जो मैं आपके सामने लाया हूँ, और मेरे आपसे कुछ सवाल थे। आप सभी को मैंने केस करने को कहा था, क्या आपने केस फाइल कर दिया? क्या आपने सबूत इकट्ठे कर लिए? ये सभी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी कोई भी हेल्प कर सकूं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। ये बात बहुत हैरानगी वाली है, संजय भाटी की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बहुत सारे लोगों ने इसके ख़िलाफ़ FIR भी लिखा दी और बहुत सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन अभी तक इसका कोई बाल भी बाका नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ना, सरकार इसके साथ मिली हुई है। ये BSP का बहुत बड़ा नेता है, इसकी वजह से इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। सभी लोगों के मन में यही सवाल है। बहुत सारे लोगों ने तो मोदी जी को ट्वीट करके भी स्कैम के बारे में बताया कि कितना बड़ा स्कैम हमारे साथ हुआ है। उन्होंने हाथ जोड़कर बेनती की जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और ना ही कार्रवाई हो पा रही है। वो सभी तो अपने इलेक्शनों में बिजी हैं, गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, गरीबों का पैसा डूबा हुआ है। इन सभी बातों का एक ही तरफ इशारा होता है कि संजय भाटी का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मैं सरकार को बता दूं, ये आपकी और लोगों की गलतफहमी है। अगर हम सब लोग इकट्ठा हो जाए तो कुछ भी करा सकते हैं, तो ये तो हमारे हक की बात है, तो हमें हमारा हक मिलना ही चाहिए। तो जैसे एक और बात बता दूं, अगर हमारे देश के किसी भी किसान या किसी भी आदमी का बैंक में लोन हो, अगर वो उतार ना पाए या किस्त लेट हो जाए, तो जल्द से उस पर कार्रवाई होती है और उसका फ्रॉड लिस्ट में नाम आ जाता है। तो आम पब्लिक पर जल्दी से निर्णय ले लेते हैं, लेकिन इन बड़े नेताओं पर निर्णय क्यों नहीं लेते? इस बात से मेरी बहुत नाराज़गी है सरकार से।
जैसे कि आप देख सकते हैं उनके फेसबुक पेज में जो कि आग लग गई थी ऑफिस में, उन्होंने साफ साफ लिखा है कुछ डॉक्यूमेंट जो कि पेमेंट से रिलेटेड थे, जो बाइक बोर्ड कंपनी से रिलेटेड थे, वो डिस्पॉयल हो गए हैं, मतलब जल गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखकर अपनी नाराज़गी जताई है, इसमें कईयों ने तो गंदी गंदी गालियां भी निकाली है इनको। तो ये तो होना ही था, अगर ये लोगों का भरोसा तोड़ती है तो ऐसा तो लोग कहेंगे। मेरे हिसाब से ये सारी अफवाहें थी कि लोगों को गुमराह किया जाए, तो कोई आग नहीं लगी, ये तो हवा बना रखा है लोगों ने। तो हमारे पास पेमेंट के सिर्फ दो ही चारे रह गए हैं, एक तो हमने केस करना है, दूसरा कंपनी के ख़िलाफ़ विरोध जताना है जो कि कंपनी अच्छे से देख सके और उन पर प्रेशर बनाया जा सके। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखकर यस बताएं, ताकि मैं आपके हौसले से आगे कुछ कार्रवाई करने के बारे में सोचूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अकेला मैं ही खड़ा हूं लाइन में। अगर आप सब लोग साथ देते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं आपका पैसा ज़रूर मिलेगा। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जिनका केस कोर्ट में चल रहा है, 2-4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, उन पर कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है और लोगों को पैसा मिलने का आसार बन रहा है। ये सच बात है, कानून नाम की कोई भी चीज़ होती है, हाई कोर्ट में मामला हम लेके जाएंगे अगर आप हमारा साथ दें। तो जैसे आप देखते हैं ट्वीट में लोग बहुत प्रकार प्रकार के मैसेज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे हैं और बहुत सारे अपडेट डाल रहे हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो अपना अकाउंट ट्विटर पर बना लें और डेली अपडेट चेक करें। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के चेक बाउंस हो रहे हैं, जैसे अप्रैल के महीने के हुए, मई के महीने के हुए, तो चेक को इन्होंने क्यों बांटे थे अगर चेक बाउंस होने थे। बाउंस का केस 420 का होता है और 138 धारा लगती है। चेक बाउंस होने की सज़ा तो इनको मिल के ही रहेगी, तो मन में सिर्फ पॉजिटिव बात ही सोच कर रखनी है, ताकि पॉजिटिव निर्णय आए और आपको पैसा मिल सके। तो आप देख रहे हैं जैसे कि एक बाइक बोर्ड ने न्यू वेबसाइट खोली है, न्यू कंपनी खोली है, जिसमें उन्होंने फिर से बाइक बोर्ड टैक्सी जैसा प्लान लॉन्च किया है, लेकिन ये प्लान गलत है, ये प्लान इन्होंने लॉन्च नहीं किया, ये और कोई कंपनी है, लोगों ने गुमराह करने के लिए ये सब ट्विटर पर डाला हुआ है, तो आप कृपया इस पर ध्यान ना दें। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर हमको पैसा कब तक मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको अभी फ़िलहाल पैसा नहीं मिलेगा, ये कड़वा सच है, आपको पैसा मिलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है इंतज़ार आपको 5-7 महीने तक का करना पड़े, जी हाँ, क्योंकि केस चलने की कार्रवाई में इतना टाइम तो लगता है और गिरफ्तारी में भी इतना टाइम लगता है। हो सकता है अगर बाइक बोर्ड के पास पैसा हो देने के लिए तो आपको जल्दी पैसा मिलने की संभावना है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको 7 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे तो सुनने में ये भी आया कि संजय भाटी ने सरकार को पैसा दे दिया इलेक्शन की वजह से, इसी वजह से उसके पास कोई पैसा नहीं बचा और ना ही लोगों का पैसा दे पा रही है। तो इसमें ये कितनी सच्चाई है तो ये खुद ही संजय भाटी बता सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो द्वारा अच्छे से सब कुछ पता चल गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए, ये मैसेज पहुँच जाए और वो अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दे। जिन लोगों ने केस नहीं किया वो केस करें, जिन लोगों ने विरोध नहीं किया, रैलियों में नहीं गए, तो वो कृपया एकजुट होकर वहाँ जाएं, ताकि सभी लोगों को हौसला मिले कि हमारे साथ कोई है तो इसकी वजह से आपको पैसा मिल पाएगा। तो ये सब आप पर ही निर्भर रहता है, आपको अपने पैसों के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है थोड़ी भागदौड़ भी करनी पड़े, ताकि आपका पैसा आपको प्रॉफिट के साथ मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो द्वारा अच्छे से सब कुछ पता चल गया होगा।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो अपनी कार्रवाई शुरू कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।